नमस्कार दोस्तों, दरभंगा रॉक्स में आपका स्वागत है। दरभंगा एयरपोर्ट से स्पाइस जेट का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है और अब मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु के अलावा चेन्नई और हैदराबाद के अलावा अमृतसर, पुणे, अहमदाबाद की कनेक्टिंग फ्लाइट की बुकिंग शुरू हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर इस समय, बड़ी खुशखबरी आपको बता रहे हैं। इस बार स्पाइस जेट की जो फ्लाइट है अब दरभंगा से कनेक्टिंग अमृतसर, पुणे और अहमदाबाद के लिए फ्लाइट बुकिंग शुरू हो चुकी है। तो पूरी रिपोर्ट देखिएगा, क्योंकि इस रिपोर्ट के जरिए आपको पता चलेगा कि ये कनेक्टिंग फ्लाइट आप कैसे पकड़ सकते हैं, टाइम टेबल पूरा बताएंगे। क्योंकि पहली बार दरभंगा से हवाई मार्ग से अमृतसर, पुणे और अहमदाबाद जुड़ने जा रहा है। तो जो लोग अमृतसर, पुणे और अहमदाबाद के हैं उनके लिए खुशखबरी है। तो पहले हम आपको बात कर देते हैं दरभंगा से अमृतसर की। तो ये कनेक्टिंग फ़्लाइट नई दिल्ली से होगी। जी हाँ दोस्तों, जो नई दिल्ली फ़्लाइट जाएगी उससे कनेक्टिंग फ़्लाइट अमृतसर के लिए मिलेगी और इसके लिए बुकिंग शुरू हो चुकी है। ATQ DBR यानी अमृतसर दरभंगा की बात करें तो 8,726 रुपया रखा गया है टिकट फेयर। और ये टाइम टेबल नोट कर लीजिए, सुबह 8:15 आप पकड़ेंगे और 7:40 में यानी कि आप 3:55 पर दरभंगा में मौजूद होंगे। और इसका जो है टाइम टेबल समझ लीजिए, अमृतसर में ये 8:15, दिल्ली 9:30 आप पहुँच जाएंगे। 4:40 दिल्ली में आपको रुकना पड़ेगा, उसके बाद दिल्ली में 2:10 की जो शेड्यूल फ्लाइट है उसको पकड़ना होगा और फिर करीबन 4:00 आप दरभंगा में होंगे। यानी कि अमृतसर से दरभंगा की जो दूरी है वो एक दिन में आप पूरी कर लेंगे। इसके लिए दिल्ली में आपको वही है कि 4:40 आपको रुकना पड़ेगा, या तो फिर भी कम समय लग रहा है। और वापसी की बात कर लें दरभंगा से अमृतसर की, तो 8,684 का रेट चल रहा है इस समय, 8 तारीख में। हालांकि 9 में थोड़ा कम हो गया है, तो इसमें टाइम आपको बता दें कि 20 घंटा लगेगा, थोड़ा ज़्यादा है। क्योंकि इसमें आपको अगर 11:45 पर आप यहाँ से दरभंगा से अगर जाएंगे तो दूसरे दिन आप 7:30 में आप पहुँचेंगे, तो इसमें थोड़ी देरी हो सकती है। और ये आपको बता दें कि दरभंगा से जो शेड्यूल फ्लाइट है 11:45 दिल्ली के लिए, वो 1:30 पर दिल्ली पहुंचेगी। लेकिन दिल्ली में आपको 16:45 रुकना पड़ेगा कनेक्टिंग फ्लाइट के लिए। तो यानी कि दिल्ली की जो फ़्लाइट होगी वो नेक्स्ट डे सुबह होगी, दिल्ली से जो फ़्लाइट होगी वो 6:15 सुबह होगी और फिर वो 7:30 आप अमृतसर पहुँचेंगे। तो ये ज़्यादा समय आपको रुकना पड़ेगा दिल्ली में, करीबन 16:30। अब हम बात कर लेते हैं दरभंगा से पुणे की, वो कनेक्टिंग फ्लाइट मुंबई से होगी। जी हाँ दोस्तों, मुंबई, तो वो कैसे होगी ये भी आपको बता देते हैं, इसका भी टाइम टेबल आप समझ लीजिए। तो अगर आप पुणे से दरभंगा आना चाहते हैं 8 नवंबर को, टिकट अवेलेबल है, 9,739 रुपये का ये रेट चल रहा है। हालाँकि 10 और 11 को ये 10,000 से ऊपर चला गया है और इसका टाइम है शाम में 4:00 और ये आपको पहुंचाएगी दूसरे दिन शाम में 4:00। तो यानी कि इसमें भी टाइम काफ़ी ले रहा है। और ये इसका रूट समझ लीजिए क्या है, पुणे से आपको दिल्ली जाना होगा। अगर पुणे से आप दरभंगा आना चाहते हैं तो पहले दिल्ली जाना होगा, जो शाम में 4:00 पुणे से चलेगी, दिल्ली से 6:15 शाम में पहुँचेगी। दिल्ली में आपको 19:55 यानी करीब 20 मिनट रुकना होगा और दिल्ली से फिर शेड्यूल फ्लाइट 2:10 की लेकर के फिर दरभंगा 4:00 आपको पहुंचना होगा। वापसी की बात कर लें दरभंगा से पुणे की, तो इसका रेट जो है वो चल रहा है 7,470 यानी कि करीबन 7,500-8,000 के रेंज में चल रहा है ये रेट। और उसमें आपको जो समय है वो वही है 4:25 शाम में, दूसरे दिन 11:40 पर आप पहुँचेंगे। यानी इसमें भी करीबन 20 घंटा आपको लग रहा है, 1 स्टॉपेज है और इसका स्टॉपेज है बेंगलुरु होकर के। ये दरभंगा से आप बेंगलुरु जाएंगे शाम में 4:25 पर शाम में पहुंचेंगे, फिर बेंगलुरु से करीबन 7:00 बेंगलुरु में स्टॉपेज होगा आपको 15:25। उसके बाद बेंगलुरु से फिर दूसरे दिन 10:20 सुबह फ्लाइट मिलेगी पुणे के लिए और फिर आप 11:40 पर पुणे पहुँचेंगे। तो यानी कि ये थोड़ा डिफ़िकल्ट टाइम टेबल होगा, अगर आपको थोड़ा पेशेंस है तभी आप ये फ़्लाइट पकड़ सकते हैं। इसके बाद अगर दरभंगा अहमदाबाद की बात करें तो इसकी कनेक्टिंग फ़्लाइट आपको नई दिल्ली से मिलेगी और मुंबई से होगी इसकी कनेक्टिंग फ़्लाइट। जी हाँ दोस्तों, दो जगह दिल्ली और मुंबई दोनों तरफ से कनेक्टिंग फ़्लाइट इसकी रखी गई है और इसका टाइम टेबल भी समझ लीजिए। पहले हम बात कर लेते हैं अहमदाबाद से दरभंगा।
अहमदाबाद से दरभंगा अगर 8 नवंबर को आप टिकट बुक कराते हैं तो करीबन 8,841 से लेकर के आगे 9 तारीख में 9,000 से ऊपर चला गया है, फिर ये 10 तारीख में करीबन 10,000 के आसपास चला गया है। टाइम टेबल की बात कर लें तो शाम 7:15 पर अहमदाबाद से आप निकलेंगे और इसमें अभी करीब 21 घंटे लगेगा आपको, दूसरे दिन 4 बजे आप पहुँचेंगे। तो अहमदाबाद से दिल्ली होते हुए ये फ़्लाइट आएगी, तो अहमदाबाद से शाम 7:15, दिल्ली रात में 9 बजे, फिर रात में स्टे करना होगा, फिर दूसरे दिन 17 घंटे रुक करके दूसरे दिन दिल्ली से फिर शेड्यूल फ़्लाइट 2:10 की आपको मिलेगी जो आपको दरभंगा 4 बजे करीब पहुँचाएगी। तो ये आपको समय इसमें ज़्यादा लगेगा, यानी कि 17 घंटे अगर आपके पास इतना टाइम है तो आप अहमदाबाद से वाया दिल्ली होते हुए दरभंगा आ सकते हैं। अगर आप दरभंगा से अहमदाबाद की बात करें तो 8 तारीख में अभी अवेलेबल है, 6,937 का है, यानी कि करीबन 7,000 के रेंज में चल रहा है और ये आपको 11 घंटे लेगी, यानी कि अगर 12:40 में दरभंगा से निकलेगी और ये आपको रात में ही 11:50 पहुँचा देगी। ये वाया मुंबई है, दिल्ली से आप मुंबई शेड्यूल फ्लाइट से जाएंगे 12:40 में और पहुंचेंगे मुंबई 3:10 पर। आपको 7:35 मुंबई में रुकना होगा कनेक्टिंग फ्लाइट के लिए, फिर मुंबई से रात में 10:45 पर फ़्लाइट होगी अहमदाबाद की, जो अहमदाबाद आपको रात में करीबन 12 बजे पहुंचाएगी। तो यानी आप सेम डे में पहुँच जाएंगे, लेकिन इसके लिए आपको 7.5 घंटे मुंबई में रुकना पड़ेगा और ये आपको टोटल टाइम जो है वो करीबन 11 घंटे लेगी। तो इस कुल मिला करके ये अमृतसर पुणे अहमदाबाद की जो कनेक्टिंग फ़्लाइट है वो एक ऑप्शन दिया गया है, लेकिन इसमें जो पुणे और अहमदाबाद का टाइम है वो काफ़ी लेंदी होगा। तो अगर आप इसके लिए तैयार हैं तो पुणे अहमदाबाद की कनेक्टिंग फ़्लाइट ठीक है, वरना इसमें परेशानी आ सकती है उन लोगों के लिए जो कम समय में वहाँ पहुँचना चाहते हैं, तो उन्हें स्टे ज़्यादा देना पड़ेगा। तो ये स्थिति है, तो लेकिन फ़िलहाल एक शुरुआत है, आगे हो सकता है कि और कन्वीनियंट किया जाए जैसे जैसे डिमांड होगा, लेकिन फ़िलहाल एक्सपेंशन के मोड में आ गया स्पाइस जेट और अब सिर्फ दिल्ली मुंबई बेंगलुरु नहीं बल्कि अमृतसर पुणे अहमदाबाद हैदराबाद और चेन्नई भी अब दरभंगा से जुड़ने जा रहा है, जो कि बहुत अच्छी खबर है। और कनेक्टिंग फ़्लाइट जो लोग आना चाहते हैं इस सीज़न में दरभंगा 8 नवंबर के बाद फेस्टिव सीज़न में, छठ में, दशहरा में, दिवाली में, तो ये फ़्लाइट का लाभ उठा सकते हैं। ट्रेन से तो कम ही समय लगेगा, लेकिन ये है कि एक अच्छा ऑप्शन आपको मिलने जा रहा है और हो सकता है कि नए रूट्स भी आगे चल करके खुलें और दूसरी कंपनियां भी आए, बाकी दूसरी विमानन कंपनियां भी आए, जिससे कि कॉम्पिटिशन होगा तो किराए में भी कमी आएगी और रूट्स भी नए नए खुलेंगे। तो दरभंगा के लिए एक नई शुरुआत है, एक एक्सपेंशन स्पाइस जेट करने जा रहा है, तो स्पाइस जेट को समझ में आ गई ये चीज़ें, इसलिए उसने पहले से पूरी प्लानिंग करके एक्सपेंशन कर रही है और इससे वाकई दरभंगा के लोगों को, मिथिला के लोगों को आने वाले दिनों में बहुत लाभ मिलने वाला है, खास करके सुदूर इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए डायरेक्ट आने का सपना साकार हो जाएगा। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कुछ और वीडियो के साथ हाजिर होंगे, आप देखते रहिए दरभंगा रॉक्स। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।